हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपकी दोस्त नेहा और लेकर आई हूं आपके लिए फिर से एक सोशियोलॉजी प्रैक्टिस पेपर या इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस भी आप इनको बोल सकते हैं। और ये आपको फ़ायदा करेंगे आपको जो आप यूजीसी नेट एग्ज़ाम देने जा रहे हैं जुलाई में उसके लिए, और पीजीटी के लिए, और जो आईएएस में भी सोशियोलॉजी का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं उसके लिए। तो ये जो क्वेश्चंस हैं ये आप लोगों के लिए बहुत ही यूज़फुल रहेंगे, और इनकी पीडीएफ आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहां से उसको डाउनलोड कर सकते हैं और अपने पास सेव रख सकते हैं। तो बाकी की दो वीडियोस भी मैं उसका भी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, क्योंकि मैंने उसमें भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अपलोड कर रखे हैं आप लोगों के लिए। तो ये सारे क्वेश्चंस 2019 में जो लोग भी पेपर देने जा रहे हैं उनके लिए बहुत ही यूजफुल हैं। तो जो लोग भी वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के लिए रेड बटन को क्लिक कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और वीडियो पसंद आए तो कमेंट लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। तो चलिए हम स्टार्ट कर लेते हैं अपनी आज की वीडियो। तो हमने 50 क्वेश्चंस अपलोड कर दिए हैं अभी तक अपने चैनल पर। तो अब हम नेक्स्ट देखते थे हैं, 50 हो गए हैं, 51 क्वेश्चंस देखते हैं। मैंने थोड़ा जूम कर रखा है ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का गठन कब हुआ? का ऑप्शन इसका ठीक है 1978 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भाषाई अल्पसंख्यकों को उपलब्ध कराई गई सुरक्षा से संबंधित सभी मामलों की जांच के लिए भाषाई अल्पसंख्यक आयोग की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत की गई है? ग ऑप्शन ठीक है इसका, अनुच्छेद 350 यानी कि 350। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड का गठन किस वर्ष हुआ? घ ऑप्शन ठीक है इसका, 1953 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दो सूचियां दी गई हैं, देख लेते हैं। शॉर्ट स्टे होम योजना और बालिका समृद्धि योजना, और स्वावलंबन योजना, किशोरी शक्ति योजना। तो इनको कब कब किस वर्ष में लागू किया गया? ख ऑप्शन ठीक है इसका, ए का है दूसरा यानी कि 99 में किया गया, और बी का है पहला यानी कि 97 में किया गया, और सी का है फोर्थ यानी कि 1982 से 83 के बीच में किया गया, और थ्री है डी का यानी कि 2001 में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 55, उदिशा कार्यक्रम क्या है? उदिशा कार्यक्रम क्या है? इसका का ऑप्शन ठीक है कि विश्व बैंक की सहायता से चलाई जा रही महिला एवं बाल विकास परियोजना का परीक्षण कार्यक्रम, ठीक है, प्रशिक्षण कार्यक्रम, कि जहाँ पर महिलाओं को कुछ ऐसे प्रशिक्षण दिए जा रहे हैं जहाँ पर वो अपने लिए अपने हाथ का कुछ काम सीख सकती हैं, उनकी विकास परियोजना चलाई गई है ये। नेक्स्ट देखते हैं, 56, उत्पादन विनिमय वितरण तथा उपभोग के क्षेत्र में विभिन्न व्यक्तियों एवं समूहों के बीच पाई जाने वाली प्रतिस्पर्धा, खा ऑप्शन ठीक है इसका, आर्थिक प्रतिस्पर्धा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 57, प्रतिस्पर्धा को सामाजिक संपर्क से रहित अंतःक्रिया किस विद्वान ने कहा है? खा ऑप्शन ठीक है इसका, पार्क एवं वर्गेस ने। 58 क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रतिस्पर्धा के बारे में असत्य है? तो इसका सही ऑप्शन है नेक्स्ट, खा ऑप्शन ठीक है इसका, प्रतिस्पर्धा जन्मजात प्रवृत्ति है। प्रतिस्पर्धा जन्मजात प्रवृत्ति क्यों है? क्योंकि ये कंटिन्यू चलती रहती है दो लोगों के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 59, नीचे दो कथन दिए गए हैं जहां पर है, आधुनिक जटिल तथा गत्यात्मक समाजों में सापेक्ष रूप से स्थिर समाजों की तुलना में प्रतिस्पर्धा अधिक पाई जाती है, और अधिक राजनीति सामाजिक एवं सांस्कृतिक क्षेत्रों में आगे बढ़ने या उन्नति करने के लिए व्यक्ति को सदैव प्रतिस्पर्धा करनी पड़ती है। कौन सा ऑप्शन इनमें से ठीक है? तो देखिए कि जो भी चीजें हैं, कि कोई भी आप पोस्ट पर है, आपको आगे बढ़ने के लिए व्यक्ति को हमेशा कॉम्पिटिशन्स में रहना पड़ता है। तो इसका सही ऑप्शन है ए, और आर दोनों सही है, परंतु आर जो है वो ए की सही स्पष्टीकरण यानी कि सही व्याख्या कर रहा है, ठीक है। 60 क्वेश्चन देखते हैं, उस सामाजिक प्रक्रिया को क्या कहते हैं जिसमें व्यक्ति अथवा समूह अपने लक्ष्य की प्राप्ति विरोधी को प्रत्यक्ष हिंसा या हिंसा की चुनौती देकर करते हैं? इसका घ ऑप्शन ठीक है, संघर्ष। फिर देखिए, 61 क्वेश्चन, दो फिर से सूचियां दे रखी हैं, मॉडर्न पॉलिटिकल एनालिसिस
द मैनेजरल रिवोल्यूशन, द पावर एलिट या द रूलिंग क्लास, ये सब बुक्स के नेम है। तो किस किस बुक्स को किसने लिखा? ग ऑप्शन ठीक है, पहला, तीसरा, दूसरा, चौथा। ठीक है, पहला, तीसरा, दूसरा, चौथा। 62 क्वेश्चन देखते हैं। जाति के तीन पक्षों, धर्मनिरपेक्ष, घटनात्मक तथा आदर्शात्मक का उल्लेख किसने किया? तो इसका सही ऑप्शन है सॉरी, इसका सही ऑप्शन है खा, रजनी कोठारी। 63 क्वेश्चन देखते हैं। रजनी कोठारी के अनुसार जाति का गठनात्मक पक्ष है क्या? खा, जो विभेदीकरण एवं एकीकरण की प्रक्रियाओं द्वारा जाति की राजनीति में प्रासंगिकता की चर्चा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 64, जाति की उत्पत्ति का राजनीतिक सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया? जी एस घुरिए का ऑप्शन ठीक है इसका। 65 क्वेश्चन देखते हैं। फिर से दो कथन दिए गए हैं जिसमें है, राजनीति में जातिवाद जाति का राजनीतिकरण के अतिरिक्त कुछ नहीं है। जाति के राजनीतिकरण की प्रक्रिया में जाति और राजनीति दोनों ही परिवर्तित होती रहती है। तो इसका ख ऑप्शन ठीक है कि ए और आर दोनों ही सही है, परंतु आर एक ही सही स्पष्टीकरण नहीं है। आर जो है वो स्पष्टीकरण सही नहीं है किसका? ए का। 66 क्वेश्चन देखते हैं। प्रतिस्पर्धा संघर्ष में कब परिणित हो जाती है? खा, जब प्रतिस्पर्धियों का ध्यान अपने प्रतिस्पर्धियों पर केंद्रित हो जाता है। ठीक है, 67 क्वेश्चन देखते हैं। जिन समाजों में जीवन के हर पहलू में प्रतिस्पर्धा को सर्वाधिक प्रोत्साहन दिया जाता है, वहां सामाजिक व्यवस्था का स्वरूप का खुला होगा। 68, फुटबॉल के खेल में दो टीमों के बीच होने वाली अंतःक्रिया में जो प्रतिस्पर्धा का स्वरूप है, उसकी प्रकृति है क्या? सामूहिक प्रतिस्पर्धा की। घ ऑप्शन इसका ठीक है, घ। 69 क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा अव्यवैक्तिक संघर्ष है? ग ऑप्शन ठीक है, प्रतियोगिता। 70वां क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस विद्वान का मत है कि स्वस्थ प्रतिस्पर्धा विस्तृत सामाजिक अनुभव या ज्ञान को बढ़ाने में योग देती है? चार्ल्स कूले का ऑप्शन ठीक है इसका। 71 क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि भारतीय जनसंख्या का आयु के अनुसार वितरण का पिरामिडीय रूप का आधार विशाल है, जो ऊंची जन्म दर के कारण है। तो इनमें से काफी चार ऑप्शन दे रखे हैं, तो सही ऑप्शन है उपरोक्त सभी, यानी कि घा, ये चारों ही चीजें ठीक है। फिर देखते हैं 72 क्वेश्चन। किस विद्वान का मत है कि जनसंख्या यदि नियंत्रित ना की जाए, रेखा गणित अनुपात में बढ़ती है, जब उपजीविका गणितीय अनुपात में? किसने कहा है? मालथस ने। जनसंख्या के जो वो जनसंख्या का जो सिद्धांत है वो मालथस ने दिया है। बाल श्रमिक की सर्वाधिक संख्या वाला राज्य है? बाल श्रमिक जो सबसे ज्यादा कराया जाता है किस राज्य में? आंध्र प्रदेश में। गा ऑप्शन ठीक है इसका। 74 क्वेश्चन देखते हैं। इसमें मैं दो सूचियां दे रखी हैं, तो ये कुछ ऐसे फाउंडेशन है जो चलाए गए कब कब करे गए। तो उसका सही ऑप्शन है गा, यानी कि 3142 गा ऑप्शन ठीक है इसका। 75 क्वेश्चन देखते हैं। दो सूचियां दे रखी हैं इसमें भी वर्ष और जनन की स्थिति दे रखी है कि कब कौन से वर्ष में की गई। तो खा ऑप्शन ठीक है 4213, यानी कि 4213। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 76, प्रतिस्पर्धा के संबंध में निम्नलिखित में से क्या सही है? यह अव्यक्तिक है। ठीक है, 77 क्वेश्चन देखते हैं। प्रतिस्पर्धा में क्या निहित है, मतलब उसमें क्या है? अपनी क्षमता बढ़ाना। 78 क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसमें प्रतिस्पर्धा निहित है? प्रादेशिक लोक सेवा परीक्षा में सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थी। ठीक है, इनमें से ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन ये वाला है कि जब कोई कॉम्पिटिशन में बैठता है तो उसमें लड़ने की ताकत आ जाती है। घ ऑप्शन ठीक है इसका। 79 क्वेश्चन देखते हैं। प्रतिस्पर्धा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चलाई चाही गई वस्तु की पूर्ति सीमित हो, क्रियाकलाप उद्देश्य निर्देशित हो, जब यह निरंतर प्रक्रिया तब उद्देश्य की प्राप्ति समाप्ति ना हो, अपने विरोधी को हराने का मुख्य सरोकार है, सरोकार हो। तो इसका ख ऑप्शन ठीक है, यानी कि देखिए पहला, दूसरा, तीसरा। ठीक है, चाही गई वस्तु की पूर्ति सीमित हो और क्रियाकलाप उद्देश्य निर्देशित हो और सॉरी चौथा,
अपने विरोधों को हराने का सॉरी ये निरंतर प्रक्रिया जब तक उद्देश्य की प्राप्ति नहीं होती चलती रहती है। 80 क्वेश्चन देख लेते हैं, 80 क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सी सामाजिक प्रक्रिया सबसे कम मात्रा में पृथक्करण करती है, प्रतिस्पर्धा, ठीक है, खा ऑप्शन इसका ठीक है। तो फ्रेंड्स ये थे 80 क्वेश्चन इस वीडियो में, और इसकी पीडीएफ जो पीडीएफ है वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप वहां से उसको डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो पसंद आई तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताइए। थैंक यू सो मच।